और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज राजभवन में एडीजी जोन राजीव कृष्णा राजभवन पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ योगाभ्यास किया। राजीव कृष्णा ने कहा कि हर व्यक्ति को योगा करना चाहिए और के न्यूज के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को भी बताया कि योगा शरीर का फिटनेस को भी सही करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज सभी यहां पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, आईएएस से लगाकर आईपीएस भी यहां पर हैं। हमारे साथ आईपीएस राजीव कृष्णा जी हैं। सर, आज योग दिवस है, किस तरीके से सर लोगों को योगा करना चाहिए? देखिए, योग की जो पद्धति है इसके बारे में सबको ज्ञान है कि न केवल ये हिंदुस्तान की एक बड़ी असीम परंपरा है बल्कि स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। शरीर को लचीला बनाना, जोड़ों के दर्द को दूर करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जिसको आप योगा के माध्यम से अगर ये जीवन की एक पद्धति बन जाए तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्वस्थ जीवन के लिए आप कर सकते हैं। भारत सरकार में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में 21 जून का दिन मुकर्रर किया गया है और यहाँ पर इस दिन में अधिक से अधिक लोग योगा करके अपने आप को इस अभियान से जोड़ते हैं, इस मूवमेंट से जोड़ते हैं। तो मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। आज राजभवन में, यहाँ पर लखनऊ में राजभवन में इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर एक बड़े संगम का आयोजन किया गया है। तो मेरी सभी को शुभकामना है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने शरीर को, अपने मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहें। सर, फिटनेस को देखते हुए कितना योगा महत्वपूर्ण है, क्या सर लोगों को संदेश देना चाहते हैं आप? डेफिनेटली फिटनेस के लिए ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शारीरिक रूप से जितने भी प्रकार के विकार हो सकते हैं उन विकारों को दूर करने के लिए अलग अलग आसन होते हैं। प्राणायाम से, प्राणायाम के प्रॉपर तरीके से करने से जो श्वास संबंधी और हृदय उदर इत्यादि संबंधी जितनी भी रोग हैं वो दूर होते हैं। एक तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन है और इस प्रिवेंटिव मेडिसिन को आप लगातार अगर करते रहेंगे, कोई भी लगातार करता रहेगा, तो उसके अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। शुक्रिया सर। तो योगा शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, जीवन दायनी है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है और योगा अपनाने के लिए खुद ही व्यक्ति अपने आप पे जागृत करना चाहिए, योगा को अपनाना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ अनूप सिंह।